worst hai. हाँ नॉर्मल कैजुअल बात करूँगी. हाय एक्साइटेड हूँ बिकॉज शिविन इज़ पार्ट ऑफ इट एंड शिविन इज़ अ डियर डियर फ्रेंड एंड आई स्टिल रिमेंबर सपना सबका होता है एंड उसका ये सपना काफ़ी लंबे टाइम से था. मैं सुनती थी उसकी ट्रैवलिंग और उसके कैरेक्टर को लेके वो जो सारी चीज़ें अपने आप को लेके प्रिपेयर कर रहा था एज एन एक्टर, बहुत सारा होमवर्क कर रहा था. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड टुडे इज़ द डे, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम. ऑनेस्टली आई थिंक 15 दिन भी नहीं हुए मुझे बाहर आए हुए एंड मेरे खुद के भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं अंदर आके प्लान कर रही थी, पर ऐसा हम जैसे बाहर आते हैं बिकॉज इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग लॉन्ग टाइम, 4.5 से 5 महीना इज़ नॉट अ स्मॉल टाइम. तो मैं बाहर आई, मुझे वायरल हो गया और उसके बाद जस्ट बिकम बेटर. सो नाउ आई हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन वर्क एंड डेफिनेटली यू विल सी मी समथिंग डूइंग वेरी वेरी गुड एंड आई विल शेयर इट सून. अरे शिविन जाने से पहले बहुत सारी बातें करता था. अपेरेंटली वी टॉक अलॉट, तो पूछता था कि कैसे क्या होता है. मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ खतरों के खिलाड़ी की, मुझे एडवेंचर्स बहुत पसंद है. जब तक मैंने नहीं किया था तो मुझे भी बहुत घबराहट सी हो रही थी, तो आई वॉज द ओनली वन हू यूज़ टू से दैट अगर तूने ये शो नहीं किया ना तो तूने एक्टिंग में कुछ नहीं किया. फॉर एज अ पर्सन ऑल्सो जस्ट डू इट. आई एम नॉट बीन एबल टू फॉलो एनी एपिसोड, बट अब मैं उस देखना चाहती हूँ कि उसने परफॉर्म कैसा किया. सो आई विल गो एंड वॉच इट, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू वॉच ढीट पतंग. थैंक यू. I have no idea. Social media has sometimes have lot of answers. So I think usi platform pe aap answers dhoond lijiye, you might get it. Yeah, you know, aapka ek bada interview hua tha, usme kafi zyada views ho rahe the, usme bhi zyada kafi views aaye the. Lekin maine kahi aap hi zyada fan following hai aur isko leke aap kya? I'm very happy that ki insaan na zindagi mein ya to bahut प्यार कमाता है या तो बहुत पैसा कमाता है या तो रिश्ते भी बहुत कमाता है. मैंने प्यार भी कमाया, रिश्ते भी कमाए, पैसे भी कमाया और आप सबका अपनापन भी कमाया जब मीडिया राउंड हुआ था. तो आई फील इससे बड़ा शायद कुछ नहीं हो सकता एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी कंटेस्टेंट जिसके पास सब कुछ है आज. पर मैं कहीं गिरी नहीं, मुझे जहाँ लगा मैंने वो जवाब दिया, जहाँ मुझे लगा कि मुझे वैलिडेशन नहीं देना है मैं इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, मैं अपना चलती रही. हाँ लेकिन जहाँ मेरे रिस्पेक्ट पे काम पे और जहाँ प्रोफेशनलिज्म पे और मेरी कुछ चीज़ों को लेके बात उठती थी तो मैं जवाब भी देती थी और अपनी क्लैरिटी भी रखती थी और जब कम्युनिकेशन की बात आती थी तो मैं वन ऑन वन भी करती थी. ऐसे दैट्स फाइन. यस जब वो रिहर्सल करने वाले थे तो उसके एक दो दिन पहले हमारी बातें हुई थी एंड अपेरेंटली नॉट ओनली दिस, आगे भी वो जो कर रहे हैं प्रोजेक्ट, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर हिम. क्योंकि ये घर में जब हम थे हमने ऐसे ही अपनी एक दूसरे से बातें की थी, डिस्कस किया था, शेयर की थी फीलिंग्स एंड दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट. तो दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग. आई रियली विश हिम अ बिग 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 सक्सेस दैट ही रियली डिज़ायर फॉर हिमसेल्फ. अच्छा अभी तो मुझे किसी ने मेरे कॉम्प्लीमेंट दिया कि मेरी पीआर बहुत ख़राब है, बट आई फील इट इज़ समथिंग ऑलवेज पीआरशिप इज़ पब्लिक रिलेशनशिप और इसके लिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, ये बहुत इजी जॉब नहीं है. कैमरे की उस तरफ की दुनिया भी उतनी ही डिफ़िकल्ट है जितनी कि आप यहाँ देखते हो. सो कूडोज वॉट यू गाइज डू, रात रात भर जग के ट्रैवल करके अपनी सारी चीज़ों को भूल के, एंड वही मेरी पीआर भी करती है, सो प्लीज़ अप्रिशिएट दैट ऑल्सो. बिग बॉस के अंदर काफ़ी कुछ मस्ती की,
बहुत आज ही होली खेल कर आई हूँ मैं आपको रंग बारंग तो दिख ही रहा होगा सो देयर विल बी वन परफॉर्मेंस विद सनम जौहर इज गोइंग टू कम वेरी सून ऑन जी टी वी प्लीज़ फॉलो इट इफ पॉसिबल होली की ढेर सारी बधाइयाँ रंग बिखेरे रंग अपनी जिंदगी में भी लाए बी हैप्पी चेरिश एंड हैप्पी होली सेफ होली Are you serious? वो देखो कौन छिपा है वहाँ Come here. छुप क्यों रहा है बे? अच्छा मुझे सुनाई नहीं दिया Sorry. I love you too, आमिर. मेरी मेरा first reality show. और मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था आमिर अली के साथ जो आपने पूछा नहीं फिर भी मैं बता देती हूँ ओ गर्ल यू माइंड और मैं इतनी डरी हुई थी बिकॉज ये नजबली के विनर रह चुके हैं और मैं आई थिंक प्रोमो शूट कर रही थी तो उन्होंने बोला था टाइम बराबर देना क्योंकि तब ना डे नाइट शूट चलता था तो मैं बहुत डरी हुई थी बट आफ्टर दैट तो ही बिकेम माई फैंस आई वाज लाइक मैंने बोला स्वैग तो मेरा ही है